उज्जैन से महज 7 किलोमीटर दूर चिंतामन रोड से लगा हुआ मंगरोला गांव वैसे तो सामान्य ग्रामीण इलाकों की तरह ही है, लेकिन इस गांव की सबसे खास बात है कि ये राष्ट्रीय पक्षी मोर का गढ़ है। इस गांव के घर घर में मोर हैं। इनकी आबादी 600 से ज्यादा हो चुकी है। गांव वालों ने तो यहां तक मोर संरक्षण केंद्र भी खोल दिया है। मोरों का रैन बसेरा बन चुका मंगरोला गांव अब मोरों की अधिक संख्या के लिए जाने जाने लगा है। अमूमन शर्मीले और डरपोक स्वभाव वाले मोर अब मंगरोला गांव का हिस्सा बन चुके हैं। जिस तरह घर में पालतू जानवर कुत्ते या बिल्ली नजर आते हैं, उसी तरह इस गांव में भी कई घर और छतों पर मोर अटखेलियां करते नजर आते हैं। मोरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गांव के ही कुछ युवाओं ने इन्हें संरक्षित करने की ठानी। मंगरोला में रहने वाले जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि मोरों को बचाने के लिए गांव वालों ने मिलकर पहले खुद ने धनराशि इकट्ठा की और मोर संरक्षण केंद्र बनाया, जिसमें मोरों के लिए उपचार और रहने के लिए जगह बनाई, साथ ही रोज दाना पानी की भी व्यवस्था की। इन मोरों की इतनी बड़ी संख्या की जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को लगी तो उन्होंने भी संघर्ष विधायक निधि से 5 लाख रुपए मोरों को संरक्षित करने के लिए राशि स्वीकृत कर दी, जिसके बाद गांव में ही सरकारी जमीन पर मोर संरक्षण केंद्र की शुरुआत हो गई। आज हम आपको मिलाते हैं उज्जैन शहर के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिसका नाम है मंगरोला। इसे अपने मूलतः नाम मंगरोला से कम और मोरों के गाँव से अधिक पहचाना जाता है। इस गांव की जनसंख्या है 1000 से अधिक, वही मोरों की जनसंख्या है 600 से अधिक। आइए हम आपको इसे व्यक्ति से वहां के मिलाते हैं जिनका नाम है जितेंद्र ठाकुर, जो वहां के मोरों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। विगत 10-15 वर्षों से हम मोरों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ करीब 10 से 12 बीघा जमीन हमने शासन से ले रखी, जहाँ मोर संरक्षण केंद्र हमने बना रखा है, जहाँ घायल मोरों का उपचार हो सकता है और जो छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ कहीं भटक जाती है या मर जाती है तो उन बच्चों को घर में पाला जाता है। और जब आप गर्मियों के समय पर आओगे तो पूरा गाँव आपको बहुत सौंदर्य नज़ारा दिखेगा गाँव का, क्योंकि हर घर के मुंडेर पर आपको मोर दिखाई देगा। पूरा ग्रामीण ही मोर को पालने में लग जाता है। छतों पे दाने पानी की व्यवस्था करना, मोरों को ध्यान रखना, शिकारियों से बचाना, मतलब संस्था के साथ साथ पूरा ग्रामीण क्षेत्र इसमें काम कर रहा है। मोर इस गांव में इतने ज्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं कि संरक्षण केंद्र के साथ ये घर के बगीचे में भी अंडे दे देते हैं। ग्रामीण ध्यान रखते हैं कि मोरों के अंडों को नुकसान नहीं पहुंचे। ग्रामीण मोर के खाने के लिए दाने पानी का प्रबंध करने से लेकर उनको अस्पताल ले जाने तक की व्यवस्था करवाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उज्जैन से विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।